रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के दो केंद्रों का किया उद्घाटन। बोले, राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा संगठन बीआरओ ने कायम किए नए रिकॉर्ड। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर कसा केंद्र सरकार पर तंज। कहा, सच से, सवालों से, कार्टून से, वो सबसे डरता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। सियासी अटकलों के बीच पीएम मोदी और जेपी नड्डा से की मुलाकात। पीएम मोदी का जताया आभार। और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि आज। कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने की शिरकत। कार्यक्रम में पहुंचे पिता राजेश पायलट को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे अधिक उठा पटक देखी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को छोड़कर हाल ही में बीजेपी में आने वाले जितिन प्रसाद भी योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया जा सकता है। जुलाई में 5 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव होना है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी रास्ता खुला हुआ है। अगर ऐसा होता है तो यूपी बीजेपी को चुनावों से पहले जिस ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी वो जितिन प्रसाद के रूप में खत्म होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर उनकी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब सवा घंटे तक बैठक चली। दोपहर 12:15 बजे यूपी सीएम प्रधानमंत्री आवास से बाहर आए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, पुल, हवाई क्षेत्र और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने स्थापना के समय से ही बीआरओ दूरदराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करके राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। राजनाथ ने कहा कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि हमारे देश में दुनिया के कुल 3 से भी कम वाहन हैं, पर दुर्घटनाएं 11 के करीब होती हैं। हर साल लगभग 4.5-5 लाख दुर्घटनाएं और 1.5 लाख दुर्भाग्यपूर्ण मौतें, ये किसी साइलेंट पैंडेमिक से कम नहीं है। इन सबसे निजात पाने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी देना, मोटर व्हीकल एक्ट 2020 लाना, नेशनल हाईवे पर ब्लैक स्पॉट की पहचान करना आदि, उनमें भी यह सेंटर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पिछले 5-7 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने और भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भी मैं लगातार आप लोगों के कार्यों से अवगत होता ही रहता था, जबकि उस समय गृहमंत्री के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था। और वह कार्य चाहे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग के हों, नए नए विश्व स्तरीय निर्माण कार्यों जैसे अटल टनल, रोहतांग,
का लोकार्पण हो, कैलाश मानसरोवर मार्ग का निर्माण हो, जोजिला पास को चालू रखने की अवधि बढ़ानी हो। हाल ही में राष्ट्र को 54 ब्रिजेस का डेडिकेशन हो या फिर जल्दी ही 63 नए ब्रिजेस के डेडिकेशन की योजना हो। इसी तरह के एक नहीं अनेक काम करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार नए रिकॉर्ड। सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं आज हमारे लिए बड़ी चिंता का कारण है। हर व्यक्ति मानो यह मानकर चलता है कि दुर्घटना तो दूसरे के लिए बनी है, मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटित होगी, ऐसा मानता है और इसलिए वह इतनी सावधानी नहीं रखता है जितनी उसे रखनी चाहिए। लेकिन यह आश्चर्य का विषय है कि हमारे देश में दुनिया के कुल 3% से भी कम वाहन हैं पर दुर्घटनाएं 11% के अधिक होती हैं। हर साल लगभग 4-5 लाख दुर्घटनाएं हमारे देश में होती हैं और 1.5 लाख दुर्भाग्यपूर्ण मौतें होती हैं। यह किसी साइलेंट पैंडेमिक से कम नहीं है और यह विषय हमेशा हम सब मेरे लिए ही नहीं किसी के लिए भी बहुत ही नजदीक कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि सच से सवालों का कार्टून से वो सबसे डरता है। इस ट्वीट में उन्होंने किसी का नाम लिए बिना जिक्र किया है, लेकिन कमेंट पढ़कर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी ने किस तरफ इशारा किया है। राहुल गांधी ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहते हैं। इस सोशल मंच का इस्तेमाल वो बीजेपी सरकार पर हमला करने और उनकी नीतियों के खिलाफ सवाल खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान राहुल गांधी ने लगातार पीएम मोदी पर अपने ट्वीट के जरिए हमला किया। राहुल गांधी ने पहले भी सरकार की वैक्सीन रणनीति पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ऑनलाइन पंजीकरण होने पर सवाल खड़ा किया। टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना जरूरी है, जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। उधर इस ट्वीट को लेकर ट्विटर पर ही बयानबाजी तेज हो गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, कहत कबीर बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से ही वॉक इन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को स्वीकृति दे दी है, भ्रम ना फैलाएं, टीका लगवाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। पते किट दिते ने कि थोनू कि जान की लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो स्टेज 1 दे विचो लेवल 1 दे विचो अपने घर जाओ, फते किट थोनू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है कैसे लेनी है सारा कागज विच है, कोई बंदा आऊगा जेड़ा थोनू देगा और समझाऊगा भी थोनू, और तुसी लो। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर स्वागत है आपका। तो चीन में सरकार के लागू शिक्षा सुधारों के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। जिंगसू प्रांत में शिक्षण संस्थान का स्तर नीचा किए जाने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, जिसमें कई छात्रों को चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार चीन के 5 शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मिलकर अभियान चलाने का ऐलान किया है। ये अपने शिक्षण संस्थानों का स्तर घटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि इससे उनका भविष्य प्रभावित होगा और उनकी जो पढ़ाई है वो बर्बाद हो जाएगी। इन छात्रों पर बल प्रयोग करके उन्हें गिरफ्तार करने वाले कई वीडियो ऑनलाइन मीडिया पर सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि नेशनल एजुकेशन ब्यूरो के मई में जारी आदेश के तहत कई हायर टेक्निकल कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट स्तर के वोकेशनल स्कूलों में समाहित कर दिया गया है। इससे उन कॉलेजों की पुरानी जो मान्यता है उसको खत्म कर दिया गया और उनकी डिग्री का महत्व भी कम हो गया है।
पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान की संसद ने निचले सदन नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को अपनी स्वीकृति दे दी है। और सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई थी। इस बिल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का जिस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा था उसके अनुरूप मौत की सजा की समीक्षा और पुनर्विचार करने के ज्यादातर अधिकार दिए गए हैं। जानकारों का कहना है कि कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान की उच्च अदालतों में अपील करने पर उनके भारत वापस भेजे जाने की संभावना बन सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को साल 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा गया था और उसे जासूसी के आरोप में उसी साल एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज किया और कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार पोर्ट से किडनैप किया गया। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत यहां पर दी गई है। स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अमेरिका ने अभी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर मंजूरी ना देने का फैसला किया है। अमेरिकी फूड और एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीम के आपातकालीन इस्तेमाल के आवेदन को खारिज कर दिया है। अब इससे कंपनी को अमेरिका में अपनी वैक्सीन को लॉन्च करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले कोवैक्सीन के लिए अमेरिकी साझेदार ओक्यूजेन ने अमेरिकी दवा नियामक FDA के पास मास्टर फाइल भेजकर इस टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। ओक्यूजेन ने कहा कि कंपनी अमेरिका से इस तरह की कोई डील करना चाहती है, अमेरिका से कोवैक्सीन की पूरी मंजूरी मांगेगी। और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका कंपनी को एक और अतिरिक्त परीक्षण शुरू करने के लिए कह रहा है ताकि कंपनी एक BLA के लिए फाइनल कर सके जो कि एक पूर्ण मंजूरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट कैंप की नाराजगी की खबरें जो आ रही हैं उन सब के बीच आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। हर साल दौसा के भड़ाना में राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर सचिन पायलट समर्थकों के साथ ही कई अन्य नेता भी वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। दरअसल इस बार भड़ाना में होने वाले पुष्पांजलि कार्यक्रम पर सरकार के साथ साथ खुफिया एजेंसियों की भी नजर है। कि अपने समर्थक विधायकों के साथ में सचिन पायलट आज सुबह 9 बजे अपने समर्थक विधायकों के साथ में दौसा के भड़ाना पहुंचे और पिता राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनको याद किया। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जगह जगह पुण्यतिथि कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जहां पुष्पांजलि कार्यक्रम राजेश पायलट की प्रतिमा और चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें याद भी किया जा रहा है। साल की तरह आज पायलट साहब की पुण्यतिथि हम लोगों ने यहाँ मनाई है। आज 21 साल हो गए उनका स्वर्गवास हुए, लेकिन उन्होंने जो लोगों को, युवाओं को, किसानों को, प्रदेशवासी देशवासियों को जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर हम सब कोशिश कर रहे हैं। और आज बड़े गंभीर परिस्थितियाँ देश में बन चुकी हैं, ऐसे में हर जगह संकट है, अर्थव्यवस्था हो, किसान वर्ग हो। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर। दोपहर में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 228.01 अंकों की तेजी के साथ 52,528.48 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73.20 अंकों की बढ़त के साथ 15,811 के स्तर पर खुला। ये सेंसेक्स निफ्टी का उच्चतम स्तर है। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 677.17 अंक या 1.31 के फीसदी के लाभ में रहा। और आज आपको बता दें कि 1667 शेयरों में तेजी आई है, 294 शेयरों में गिरावट आई है और 47 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो गुरुवार को अमेरिका के डाउ जोन्स में 19 अंकों की बढ़त रही। नैस्डेक 109 अंक मजबूत होकर बंद हुआ। आज एशियाई बाजारों में भी बढ़त देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी में 0.19% की तेजी, ताइवान वेटेड में 0.37% की तेजी है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफी तेजी समय देखने को मिली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी जो है 73.20 अंकों की बढ़त पे आज रहा। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बढ़त रही, जिससे लोगों में भी खुशी की यहां पर लहर देखने को मिल रही है। बीएसई में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफी तेजी रही है, जो कि राहत की बात यहां पर है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ हुई है। इस बीच में बीएसई में जो बढ़त देखने को मिल रही है वो राहत की बात है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। देश दे नाल ही पूरे पंजाब विच भी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम पूरे जोरा ते है। जिथे बुजुर्ग लाइना च लग के वैक्सीन लगवा रहे ने ते उथे ही यूथ भी वध चढ़ के वैक्सीन लगवाउण लई अगे आ रहे ने। जे असी हुण तक दी गल करिए ता पंजाब विच 50 लाख तो वध लोकां नू वैक्सीन लग चुकी है ते इह पूरी तरह सेफ है। जिस हिसाब नाल कोविड-19 दे वायरस नू आपां स्टडी कीता है उदे विच वैक्सीनेशन एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है, सारिया नू ही लगवानी चाहीदी है। जिथे एक पासे पूरे देश दे नाल ही पंजाब विच भी वैक्सीन लग रही है ते उथे ही दूजे पासे कुछ लोग वैक्सीन नू लेके अफवाहां उड़ा रहे ने। पर इन्ना अफवाहां ते डाक्टरां दे नाल ही आम लोकां ने भी वैक्सीन लगवा के ब्रेक लगाई है। अफवाहां तो बचो, ऐसी दी कोई गल नहीं है, अगे वध के इंजेक्शन लगवाना चाहिदा। पर हुण देख लो तुसीं लाइनां च लोकी लगे होए कि इंजेक्शन लगवा दो, पर ओह पागल थोड़ी जिहड़े लाइनां च लगे होए हैं इंजेक्शन लगवाउण नूं। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇ ਹਮੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਬਚਾਅ ਹੈ।
और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं, और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। जिक्र योग है कि वैक्सीन की प्रमाणिकता नु सिद्ध करन ले खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके ने ते उन्होंने वैक्सीन नु पूरी तरह सेफ दसे है अते उन्होंने सारे नु वैक्सीन लगवाउन ले अपील भी कीती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई में हर बार की तरह इस बार भी मानसून की दस्तक के साथ ही जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित हुए और सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। इतना ही नहीं, सड़क पर तो कई जगहों पर ऐसी स्थिति देखने को मिली है जहां पर बारिश की पानी की वजह से महिलाएं नाले में गिर गई हैं। और वहीं इन सब मुद्दों को लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने तमाम मुद्दों पर सफाई भी दी है। जो घटना घटी है वो किसी ने जानबूझ के या जो हवा का पानी का प्रेशर से वो जो ढक्कन था वो जो ढक्कन के बाजू में जो एक फ्रेम लगाई जाती है वो हिल गई थी और उस पर दो तीन लोग गए तभी और ज़्यादा हिल गई। उसके बाद आने वाले दो उनके बाद पूरी हिल के गिर गई हूँ अंदर। मैं खुद जाके है वो सब घटना कैसी हुई होगी। वो खुद लेडी आई भी थी मेरे सामने और अभी बार बार हम दिखाए रहे सही बात है, लेकिन काम होने के बाद भी पूरी उधर की लाइन कंप्लीट की है और काम कंप्लीट करने का हर वार्ड को अभी इकबाल चहल जो हमारे आयुक्त है पी बेल्लार अतिरिक्त आयुक्त उन्होंने सब ताकीद दी है कि हर वार्ड में हर वार्ड ऑफिसर या उनका जो स्टाफ है और सेंट्रल का स्टाफ है उन्होंने जाके वो खुद तहकीकात करनी चाहिए और उसको रेक्टिफाई करके अच्छा करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश भर में हल्ला बोल है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज प्रदेश के हर जिले में महंगाई और पेट्रोल डीजल की दरों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी जिलों में सभी पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता हाथों में महंगाई विरोधी तख्तियां और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं सिविल लाइन्स ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आज सोडाला स्थित हनुमान मंदिर के पास में स्थित पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मुहिम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में चलाई है उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा और ये सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है। राजनीति तो चुनाव करने से चूक नहीं रही। देश के लोग आज चाहते हैं कि संकट के समय आर्थिक मदद हो, दाम कम हो, हर चीज। और खबर दोपहर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। कोरोना वायरस नु असी ताही हरा सकते हैं जेकर असी अपने वध तो वध टेस्ट करवावांगे ते वैक्सीनेशन लगवावांगे। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल निजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है ता जो 18 साल तो उपर दे सारे लोग जल्द तो जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवा सकन। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जिहे लक्षण महसूस हुंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने मोहल्लियां नू बचाउणा है, तुसी जो दस्या डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद तृणमूल कांग्रेस में कई नेताओं के घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय या बीजेपी नेता सुधांशु रॉय, दोनों में से किसी एक का टीएमसी में जाना कन्फर्म माना जा रहा है। मुकुल रॉय क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं, इसलिए ये पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने की अटकलों के बीच में आज तृणमूल कांग्रेस की अहम बैठक है, जिसमें ममता बनर्जी और कुछ चुनिंदा नेता मौजूद रहेंगे। ये किसी कोर कमेटी की बैठक जैसी होगी, जिसका कोई एजेंडा नहीं होगा, लेकिन पार्टी प्लान बना रही है कि बीजेपी से नेता को कैसे और कब टीएमसी में शामिल किया जाएगा, टीएमसी आने वाले दिनों में देश में अपनी पहचान कैसे बनाएगी, और सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि आने वाले दिनों में टीएमसी की रणनीति क्या होगी। तो तृणमूल कांग्रेस की आज एक अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें कि अभी भी बंगाल में खेला चल रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इनमें मुकुल रॉय का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल होते हैं तो ये बंगाल में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग जाएगा। इसको लेकर आज तृणमूल कांग्रेस की एक अहम बैठक भी है। और यहां पर एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश के अलग अलग हिस्सों में आज कांग्रेस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। देशभर से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की, तो यहां पहली तस्वीर आप अमृतसर की देख सकते हैं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। इसके बाद तस्वीरें जयपुर की हैं, यहां कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अगली तस्वीरें आप कर्नाटक के 3 शहरों की देख सकते हैं, जिसमें बेंगलुरु, हुबली और मंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आखिर में चेन्नई की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय आज विरोध प्रदर्शन देश भर में हो रहा है कांग्रेस का, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया, अलग अलग तरीके से जुलूस निकाला गया, घोड़ा गाड़ी पर क्षतिग्रस्त कार रखकर भी और उस कार पर मालाएं चढ़ाकर आज देश भर में जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सरकार को चुनौती देते हुए कांग्रेस का प्रदर्शन। आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने आरटीपीसीआर टेस्टिंग और मराठा आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पहले से ही हम लोग इस बात को कह रहे थे, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में जो दर्ज होता है, जो लोग अस्पताल में मरे या आरटीपीसीआर जांच हुआ, जांच से पॉजिटिव निकला,
उनकी मौत हुई उसको ये लोग रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। लेकिन हालत तो ये थी कि आरटीपीसीआर जांच कराना जो है मैंने समझिए कि नौ दिया तेल जलाने के समान था। हमको खुद व्यक्तिगत तजुर्बा है, मैंने आदमी थक जाता था आरटीपीसीआर किसी का जांच कराना हो तो उसके लिए, ये हालत थी वहाँ। तो हम लोग पहले से कहते आ रहे थे कि भाई अस्पताल में जिन लोगों की मौत हो रही है जिनका कन्फर्म जो है मैंने पॉजिटिव है उन्हीं का रिकॉर्ड में ना पा रहा है। लेकिन जो आरक्षण रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है तुसी, थोड़ी एंटीबॉडीज बढ़ाने ने, जदों थोड़े एंटीबॉडीज बढ़नगे वो एंटीबॉडीज ने जिहड़ी कोरोना दे नाल जंग लड़ सकदी है थोड़े बॉडीज दे विच, ये थोनू करवाना चाहिए। थोनू वो डॉक्टर जो पहले दिन तो कह रहे ने मास्क नहीं भुलना, अगर किसी नू कोविड हो भी चुकया उन भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन बदल दे, जिहड़े स्ट्रेन ने ना कोरोना दे इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जांदे ने। इस करके तुसी वो जो बेसिक चीजा ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। थोनू ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि दुनिया भर के जितने भी राज्य हैं वो अपने राज्य में कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने का काम करते हैं, जितनी भी सरकारें हैं राज्यों की वो आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही हैं, विपक्ष अपने राज्यों में मौत को ऑडिट करे। उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था, ऑडिट के लिए ऑर्डर नहीं दिया था, यह राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऑडिट कराने का निर्णय लिया। दुनिया भर के जितने राज्य हैं वो अपने यहाँ हमेशा मौत का आंकड़ा छुपाते हैं, यही ट्रेंड है। बिहार पहला राज्य बना जिसने ऑडिट करवाने के बाद कहा कि हमारे यहाँ 3,500 मौतें ज़्यादा हुई हैं। तो आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार फेल हो गई, ये विपक्ष है कि क्या है? थोड़ा बोलिए, अपना मगज उगज सुधारें, कुछ विटामिन विटामिन की गोली खाएं, कोविड इफेक्ट हो गया है लोग को, दिमाग से ऊपर उठ गए हैं। अगर हिम्मत है तो जो हम पे सवाल उठा रहे हैं अपने अपने राज्यों में, जरा अपने राज्यों से बोलें ऑडिट करने। मानना है कि कांग्रेस सर्जरी से आगे निकल गई है, सर्जरी नहीं हो सकती है, लाइलाज हो गई है कांग्रेस, वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और थोड़ा बहुत इम्यूनोथेरेपी, काम खत्म। दो दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को बीजेपी बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है, इसके बाद उन्हें विधान परिषद के माध्यम से सदन भेजा जा सकता है। और इसको लेकर जेटीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी है। जितिन प्रसाद एक परंपरागत कांग्रेसी परिवार हुए नेता हैं और वो अपना और देश का और समाज का हित कपिल सिब्बल से बेहतर तरीके से जानते हैं। 20वीं सदी का युग है, पुरानी परंपराएं अपने अवसान पर हैं, नया हिंदुस्तान बन रहा है, नया विश्व ऑर्डर बन रहा है, इसलिए जतिन नई पीढ़ी की जरूरतों को देख करके राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द लौटेंगे। राजस्थान ते पाकिस्तान दी हद ते वसिया जिला फाजिलका पंजाब दे उना जिलिया भी शामिल है जिथे कोरोना महामारी नू लेके शासन प्रशासन शुरू तो ही अलर्ट मोड ते रहा है। इथे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हुक्मा अनुसार सेहत विभाग वालों सैंपलिंग दा काम जोरां ते है अते जेड़े लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे ने उन्हां दी रिकवरी लई वख-वख टीमां जंगी पद्धर ते दिन रात काम ते लगियां होईयां ने। जे गल रिकवरी दी करिए तां हुण तक जिले विच 15,000 तों वध लोग ठीक हो के अपने अपने घरां नूं जा चुके ने ते 3,000 दे करीब लोग होम आइसोलेशन दे विच अपना इलाज करवा रहे ने। सेहत विभाग दीआं टीमां वी समें सिर उन्हां दी सार लैंदी रहिंदी है।
इस तो इलावा जे गल सैंपलिंग दी करिए ता हुण तक फाजिलका जिले विच 2 लाख दे करीब सैंपल ले जा चुके ने ते 10,000 तो वध लोकां दा वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना दे संबंध विच असी पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ी टेस्टिंग आ काफी वधा दित्ती आ, सो असी इहनूं होर अपग्रेड करांगे। पिंडां दे विच भी असी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस नाल साडा जिहड़ा मेन जिहड़ा यतन है कि जिन्नी जल्दी डिटेक्शन हो सके उन्ना वधिया तरीके नाल असी ट्रीटमेंट मुहैया करवा सकते हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत तो ही पूरे पंजाब विच वख-वख टीमां दा गठन कीता सी, जो शहर तो लैके पिंडां तक सैंपलिंग दे काम विच रुझियां होईयां ने। इस तो इलावा पंजाब सरकार ने पिंडां लई कोरोना मुक्त मुहिम भी शुरू कीती है। कोरोना पिंड मुक्त अभियान ते उस च भी इन्हां ने जिहड़े साडे करीब 100 दे करीब हैल्थ वैलनेस सेंटर ने पूरे जिले विच, ओह सारे 100 दे 100 हैल्थ 94 है आई एम नॉट श्योर, ते उन्हां सारीआं जगहां ते कोविड टेस्टिंग स्टार्ट कर दित्ती गई है जी। जिक्रयोग है कि पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने शुरू तो ही इस वायरस दे प्रकोप नूं समझिया ते इस नूं ज्यादा फैलन नहीं दिता, क्योंकि सरकार अपना फर्ज समझदी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अजमेर की रहने वाली वर्षा कुमावत ने कैंसर मरीजों के लिए अपने बाल दान कर दिए। उन्होंने कहा कि कैंसर मरीजों के चेहरे पर मेरे बालों की वजह से मुस्कान आ सके तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने अपने बालों का दान कर दिया। बाल तो 1-2 साल बाद वापस आ जाते हैं। मेरे बाल कटाने के पीछे का एक मेन रीज़न तो ये है कि जो कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के चेहरे पे अगर मेरे बालों के कारण कभी स्माइल आ सके तो इससे बेटर चीज़ तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती थी, तो मेन रीज़न यही था कि मैंने मेरे हेयर डोनेट करे। ऐसा ख्याल क्यों आया, मतलब आपको ऐसा ख्याल, मतलब टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मतलब मेरे को ऐसे डोनेशन का कुछ आइडिया था नहीं एक्चुअली, लेकिन जब मैं 2019 से मैंने सोच रखा था कि मुझे मेरे हेयर डोनेट करने हैं, उससे 2019 से पहले मैंने सोचा था कि हेयर डोनेट करने, लेकिन मुझे उसके बारे में आइडिया था नहीं कि कैसे इसको डोनेट भी किया जा सकता है। बस मुझे ऐसा था कि मुझे पूरा कंप्लीट बाल करवाना है अपने लुक को, तो फिर मुझे बाद में पता चला सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कि ऐसा भी कुछ होता है, तो फिर मैंने डोनेट कर दिया आज। समर्पण जैसा तो कुछ लगता नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन जैसे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिस अकॉर्डिंग, उसके समाज के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा है, लेकिन मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है शायद। जब आपके में ये चीज आई, आपने आपके परिवार और दोस्तों को बताया, तो उन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट करा? मेरा सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सपोर्ट तो मेरे फादर का था। मतलब मैंने पापा को बताया, मम्मी को बताया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा, मुझे बोले कि आप आराम से, आपके बाल है, आप कुछ भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 2 स्थित एक कॉल सेंटर में शुक्रवार को सुबह भीषण आग लग गई। आग से परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में अभी तक किसी की जान हानि होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने का कारण भी अभी तक नहीं पता चल सका है। ये माना जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। आग लगने से आसपास की इमारतों में दहशत फैल गई और मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 20 क्षेत्र स्थित सेक्टर 2 में स्थित एक इमारत सुबह उसमें आग लग गई थी, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर कहा कि सरकार कोरोना के आंकड़ों को छिपाने में लगी हुई है। गांव में कोरोना से बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं, और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। कई दिनों से कह रहे थे, जब से लॉकडाउन था तब से कह रहे थे, और लॉकडाउन से पहले से ही गाँव में मौतें होनी शुरू हो गई थी और ये छिपा रहे थे। उसी का एक उदाहरण तो पप्पू जी भी है, जिनको जेल भेज दिया गया, और आज भी जब सरकार खुद, बिहार सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि 5,000 नहीं 9,000 कुछ है, तो आप सोचिए, मैं तो कहूँगी इनसे भी 4 गुना ज़्यादा डेथ हुई है। अगर आप गांव-गांव में जाके देखिएगा तो हर पंचायत में
चार दस पंद्रह बीस पच्चीस डेथ हुई है, ये अभी भी आंकड़े छुपा रहे हैं। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक सत बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और सत मेंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घूमे और एदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा है, टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया, जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनूं मिलिया उन्हूं ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनूं मिलिया उन्हूं भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो, तीन टीज, थ्री टीज, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, ये चीजा अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले च कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे अधिक उठापटक देखी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी ओर अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को छोड़कर हाल ही में बीजेपी में आने वाले जितिन प्रसाद भी योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया जा सकता है। जुलाई में 5 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव होना है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी रास्ता खुला हुआ है। अगर ऐसा होता है तो यूपी बीजेपी को चुनावों से पहले जिस ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी वो जितिन प्रसाद के रूप में खत्म होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर उनकी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब सवा घंटे तक बैठक चली। दोपहर 12:15 बजे यूपी सीएम प्रधानमंत्री आवास से बाहर आए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, पुल, हवाई क्षेत्र और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने स्थापना के समय से ही बीआरओ दूरदराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करके राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। राजनाथ ने कहा कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि हमारे देश में दुनिया के कुल 3 से भी कम वाहन हैं, पर दुर्घटनाएं 11 के करीब होती हैं। हर साल लगभग 4.5-5 लाख दुर्घटनाएं और 1.5 लाख दुर्भाग्यपूर्ण मौतें, ये किसी साइलेंट पैंडेमिक से कम नहीं है। इन सब से निजात पाने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी देना, मोटर व्हीकल एक्ट 2020 लाना, नेशनल हाईवे पर ब्लैक स्पॉट की पहचान करना आदि, उनमें भी यह सेंटर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पिछले 5-7 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने और भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भी मैं लगातार आप लोगों के कार्यों से अवगत होता ही रहता था।
जबकि उस समय गृह मंत्री के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था और वह कार्य चाहे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग के हों, नए नए विश्व स्तरीय निर्माण कार्यों जैसे अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण हो, कैलाश मानसरोवर मार्ग का निर्माण हो, जोजिला पास को चालू रखने की अवधि बढ़ानी हो, हाल ही में राष्ट्र को 54 ब्रिजेस का डेडिकेशन हो या फिर जल्दी ही 63 नए ब्रिजेस के डेडिकेशन की योजना हो, इसी तरह के एक नहीं अनेक काम करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार नए रिकॉर्ड। सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं आज हमारे लिए बड़ी चिंता का कारण है। हर व्यक्ति मानो यह मानकर चलता है कि दुर्घटना तो दूसरे के लिए बनी है, मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटित होगी ऐसा मानता है और इसलिए वह इतनी सावधानी नहीं रखता है जितनी उसे रखनी चाहिए। लेकिन यह आश्चर्य का विषय है कि हमारे देश में दुनिया के कुल 3% से भी कम वाहन हैं पर दुर्घटनाएं 11% के अधिक होती हैं। हर साल लगभग 4-5 लाख दुर्घटनाएं हमारे देश में होती हैं और 1.5 लाख दुर्भाग्यपूर्ण मौतें होती हैं। यह किसी साइलेंट पैंडेमिक से कम नहीं है और यह विषय हमेशा हम सब मेरे लिए ही नहीं किसी के लिए भी बहुत ही नजदीक का रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि सच से सवालों का कार्टून से वो सबसे डरता है। इस ट्वीट में उन्होंने किसी का नाम लिए बिना जिक्र किया है, लेकिन कमेंट पढ़कर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी ने किस तरफ इशारा किया है। राहुल गांधी ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहते हैं। इस सोशल मंच का इस्तेमाल वो बीजेपी सरकार पर हमला करने और उनकी नीतियों के खिलाफ सवाल खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान राहुल गांधी ने लगातार पीएम मोदी पर अपने ट्वीट के जरिए हमला किया। राहुल गांधी ने पहले भी सरकार की वैक्सीन रणनीति पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ऑनलाइन पंजीकरण होने पर सवाल खड़ा किया। टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना जरूरी है, जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। उधर इस ट्वीट को लेकर ट्विटर पर ही बयानबाजी तेज हो गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, कहत कबीर बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से ही वॉक इन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को स्वीकृति दे दी है, भ्रम ना फैलाएं, टीका लगवाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में, एक बार फिर स्वागत है आपका। तो चीन में सरकार के लागू शिक्षा सुधारों के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। जिंगसू प्रांत में शिक्षण संस्थान का स्तर नीचा किए जाने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, जिसमें कई छात्रों को चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार चीन के 5 शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मिलकर अभियान चलाने का ऐलान किया है। ये अपने शिक्षण संस्थानों का स्तर घटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि इससे उनका भविष्य प्रभावित होगा और उनकी जो पढ़ाई है वो बर्बाद हो जाएगी। इन छात्रों पर बल प्रयोग करके उन्हें गिरफ्तार करने वाले कई वीडियो ऑनलाइन मीडिया पर सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि नेशनल एजुकेशन ब्यूरो के मई में जारी आदेश के तहत कई हायर टेक्निकल कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट स्तर के वोकेशनल स्कूलों में समाहित कर दिया गया है। इससे उन कॉलेजों की पुरानी जो मान्यता है उसको खत्म कर दिया गया और उनकी डिग्री का महत्व भी कम हो गया है।
पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान की संसद ने निचले सदन नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को अपनी स्वीकृति दे दी है। और सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई थी। इस बिल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का जिस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा था उसके अनुरूप मौत की सजा की समीक्षा और पुनर्विचार करने के ज्यादातर अधिकार दिए गए हैं। जानकारों का कहना है कि कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान की उच्च अदालतों में अपील करने पर उनके भारत वापस भेजे जाने की संभावना बन सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को साल 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा गया था और उसे जासूसी के आरोप में उसी साल एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज किया और कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार पोर्ट से किडनैप किया गया। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत यहां पर दी गई है। स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अमेरिका ने अभी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर मंजूरी ना देने का फैसला किया है। अमेरिकी फूड और एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीम के आपातकालीन इस्तेमाल के आवेदन को खारिज कर दिया है। अब इससे कंपनी को अमेरिका में अपनी वैक्सीन को लॉन्च करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले कोवैक्सीन के लिए अमेरिकी साझेदार ओक्यूजेन ने अमेरिकी दवा नियामक FDA के पास मास्टर फाइल भेजकर इस टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। ओक्यूजेन ने कहा कि कंपनी अमेरिका से इस तरह की कोई डील करना चाहती है, अमेरिका से कोवैक्सीन की पूरी मंजूरी मांगेगी। और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका कंपनी को एक और अतिरिक्त परीक्षण शुरू करने के लिए कह रहा है ताकि कंपनी एक BLA के लिए फाइनल कर सके जो कि एक पूर्ण मंजूरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कैंप की नाराजगी की खबरें जो आ रही हैं उन सब के बीच आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। हर साल दौसा के भड़ाना में राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर सचिन पायलट समर्थकों के साथ ही कई अन्य नेता भी वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। दरअसल इस बार भड़ाना में होने वाले पुष्पांजलि कार्यक्रम पर सरकार के साथ साथ खुफिया एजेंसियों की भी नजर है। कि अपने समर्थक विधायकों के साथ में सचिन पायलट आज सुबह 9 बजे अपने समर्थक विधायकों के साथ में दौसा के भड़ाना पहुंचे और पिता राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनको याद किया। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जगह जगह पुण्यतिथि कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जहां पुष्पांजलि कार्यक्रम राजेश पायलट की प्रतिमा और चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें याद भी किया जा रहा है। साल की तरह आज पायलट साहब की पुण्यतिथि हम लोगों ने यहाँ मनाई है। आज 21 साल हो गए उनका स्वर्गवास हुए, लेकिन उन्होंने जो लोगों को, युवाओं को, किसानों को, प्रदेशवासी देशवासियों को रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम सबसे कोशिश कर रहे हैं। और आज बड़े गंभीर परिस्थितियाँ देश में बन चुकी हैं, ऐसे में हर जगह संकट है, अर्थव्यवस्था हो, किसान वर्ग हो। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद खबर। दोपहर में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 228.01 अंकों की तेजी के साथ 52,528.48 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73.20 अंकों की बढ़त के साथ 15,811 के स्तर पर खुला। ये सेंसेक्स निफ्टी का उच्चतम स्तर है। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 677.17 अंक या 1.31 के फीसदी के लाभ में रहा। और आज आपको बता दें कि 1667 शेयरों में तेजी आई है, 294 शेयरों में गिरावट आई है और 47 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो गुरुवार को अमेरिका के डाउ जोन्स में 19 अंकों की बढ़त रही। नैस्डेक 109 अंक मजबूत होकर बंद हुआ। आज एशियाई बाजारों में भी बढ़त देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी में 0.19% की तेजी, ताइवान वेटेड में 0.37% की तेजी है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफी तेजी समय देखने को मिली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी जो है 73.20 अंकों की बढ़त पे आज रहा। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बढ़त रही, जिससे लोगों में भी खुशी की यहां पर लहर देखने को मिल रही है। बीएसई में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफी तेजी रही है, जो कि राहत की बात यहां पर है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बढ़ाई हुई है। इस बीच में बीएसई में जो बढ़त देखने को मिल रही है वो राहत की बात है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर 5।